हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग ये जानेंगे कि जीआईसी का जो मेंस का पेपर था वो पेपर कैसा हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि आपको पता है कि कट ऑफ का कोई भी रीज़न या कोई भी सीज़न नहीं होता है, वैसे ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा जो फिज़िक्स का पेपर था 95%, 95 समझते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। 95% क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से थे, है ना। तो आप ये भी देख लीजिए, जो मैंने आश्रम पद्धति के दो मॉडल पेपर कराए थे, जो अभी आई थिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उस टेलीग्राम पर आप जाके देखिए, उसमें से तीन क्वेश्चन थे। मीन्स तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन पेपर से, प्रैक्टिस सेट से दो दो मैंने प्रैक्टिस सेट आश्रम पद्धति के कराए थे, उसमें से तीन क्वेश्चन आपके हूबहू आपके एग्जाम में आए। मेंस में भी जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इतना अच्छा मैटर दिया था कि लोग, जो लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिए थे, वो खुद ही बोल रहे हैं, सर आपने दिया सब कुछ था पर मैं कर नहीं पाया। कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं था कि पेपर में यही सब क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, ये था कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर था, इसलिए बच्चों के पसीने छूट गए। दूसरा ये भी है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, नॉनसेंस। फिर भी जिस हिसाब से सीक्वेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचें तो कैसा रहेगा ये माहौल और कितनी जाएगी कट ऑफ। तो आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार देते रहें। और अब हम लोग सोचते हैं कि फिजिक्स की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो फिजिक्स की कट ऑफ अगर मैं हिंदी प्लस सब्जेक्ट को मिला के देखूँ तो आपकी कम से कम 250 से 300 के बीच में कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा बेस्ट नहीं बोल सकते पर हाँ ठीक था। ठीक है, अगर वो पेपर ठीक ठाक था तो उसमें बच्चे 50 से 60 नंबर ले आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स में 50 से 60 नंबर ले आएंगे। अगर 50 से 60 ला रहे हैं और उस 300 में अगर बच्चे ने 240 प्लस स्कोर किया है, 240 प्लस बहुत बड़ा एवरेज है, पेपर इसीलिए इतना बड़ा दिया गया था कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ उतने क्वेश्चन ही करने थे जो आपको परफेक्ट आ रहे थे, और जो परफेक्ट क्वेश्चन आ भी रहे थे उन्हें भी सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे ना, जिन्हें बहुत ज़्यादा आता था, उन्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस करने के बिना बस पेपर देने चले गए। कम से कम 10 दिन की लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कि आप बेहतरीन लिख सकें, अपने आंसर्स को बिल्कुल शॉर्ट टाइप में, बेस्ट टाइप में दे सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने 200 प्लस भी फिजिक्स में किए हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, 200 प्लस फिजिक्स में भी अगर सॉल्व कर लिए हैं 300 में, तो आई थिंक मेरा जितना कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 250 से लेकर के 300 अप्रॉक्सीमेट किसी के बच्चे के बन रहे हैं तो उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने क्वेश्चन पेपर को कैसे लिखा है, आपकी राइटिंग कैसी है और किस टाइप से आपने फिगर्स को ड्रॉ किया है, क्योंकि 3 घंटे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दम टूट गया होगा। दम टूटने का मतलब ये है कि लिख ही नहीं पाए होंगे, आधे क्वेश्चन आने के बाद भी छोड़ दिए होंगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं जानू छोड़े होंगे, बट इतना है कि लिखते हाथ दर्द करने लगे होंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारी संस्था में आश्रम पद्धति मेंस के लिए लगातार क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं उनसे जुड़ने के लिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। अब अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जिन सब्जेक्ट्स में, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ऑल ओवर, जिन बच्चों के 260 से लेकर के 320 के बीच में मार्क्स आएंगे उनके चांसेस 99 से लेकर के 100% तक बनेंगे। 99 तो बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक, ये मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट आप ये मान लो कि अगर आपके कितना बोल दूँ, 70% मान लीजिए, 70% बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं अगर उनके मार्क्स 260 से लेकर के 300 के अप्रॉक्सीमेट है। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सारे बच्चों से बात नहीं हुई है मेरी, सिर्फ फिजिक्स वाले बच्चों से बात हुई है और
थोड़े बच्चे हिस्ट्री के थे उनसे बात हुई है बस, बाकी बच्चों से बात नहीं हुई है। तो कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास में, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अगर आपके 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप टेंशन निर्मुक्त हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे सर 300 प्लस कैसे हमें पता चलेगा सर मेरे 300 प्लस आ जाएंगे? अगर आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में दिया है और बहुत ही सुंदर आंसर्स राइट किए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका हो जाएगा, ठीक है? तो फिर कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए, कोई भी दिक्कत है कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही और चीज़ों का डाटा हमारे पास आता है वैसे ही आपको कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको पढ़ते रहना है, आश्रम पद्धति जिन बच्चों ने का मेंस लगा हुआ है वो लगातार पढ़ते रहें, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब आपका पेपर आया है उसी से आपका पेपर आश्रम पद्धति का भी आएगा, और उससे इसका जो लेवल होगा 0.5% ज़्यादा ही होगा, 0.5 कम नहीं होगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं हमारी संस्था से जुड़ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक ले सकते हैं। पेपर प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल है, आप सबके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।